मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई सांप के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। ये कहानी एक हसमुख लड़की मुस्कान की है। माँ के सिवा उसका इस दुनिया में कोई और नहीं था। वो बहुत गरीब थी, उसके घर के हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। एक दिन मुस्कान आंगन में चारपाई पर सो रही थी, तभी कहीं से एक सांप का बच्चा मुस्कान के बालों में घुस गया। मुस्कान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि एक सांप उसके बालों में छुपकर बैठा हुआ है। वो गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसकी सहेली तारा वहाँ पहुँची। मुस्कान उठो, क्या हुआ तारा? कितना सुंदर सपना देख रही थी, तुमने मुझे नींद से जगा दिया। सपने रात में देख लेना, दिन में नहीं। अभी चलो मेरे साथ, तुम्हें पता नहीं क्या, आज हमें गुड्डा गुड़िया की शादी करनी है। चल अब जल्दी से। अरे हाँ तारा, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरी गुड़िया और तेरे गुड्डे की शादी है। मैं अभी अपनी गुड़िया को लेकर आती हूँ। फिर मुस्कान अपनी गुड़िया लेकर बगीचे में गई। वहाँ पर पहले से ही उनकी और भी सहेलियाँ उनका इंतजार कर रही थी। सभी मिलकर छोटा सा मंडप सजाते हैं। उसके बाद तारा और मुस्कान अपनी गुड़िया और गुड्डा को लेकर सात फेरे लेते हैं। फिर जो लड़का पंडित बना हुआ था उसने मुस्कान से कहा, मुस्कान अब तुम अपनी गुड़िया तारा को दे दो, क्योंकि अब तुम्हारी गुड़िया की शादी तारा के गुड्डे से हो गई है। नहीं नहीं, मैं अपनी गुड़िया तारा को नहीं दूंगी, ये मेरी गुड़िया है। मुस्कान क्या तुम्हें पता नहीं, जब लड़का लड़की की शादी हो जाती है, शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाती है, इसी तरह तेरी गुड़िया मेरे घर आएगी। मैं तेरी गुड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो अपने माँ से जाकर पूछ लेना, ठीक है? मुस्कान अपनी गुड़िया लेकर घर आ गई और अपनी माँ से बोली, माँ मेरी गुड़िया और तारा के गुड्डे ने सात फेरे लगाए, क्या मुझे अपनी गुड़िया तारा को देनी होगी? माँ सात फेरों का क्या मतलब होता है? हाँ मुस्कान बेटी, अब तुम्हारी गुड़िया उस गुड्डे की पत्नी है और वो गुड्डा तुम्हारी गुड़िया का पति, और वो तुम्हारी गुड़िया का हमेशा ख्याल रखेगा, तुम्हारी गुड़िया के हर सुख दुख में साथ देगा। सात फेरों का यही मतलब होता है। मुस्कान अपनी माँ की बात समझ गई और अपनी गुड़िया ले जाकर तारा को दे दी। वहीं सांप का बच्चा जो अभी भी मुस्कान के बालों में छिपा बैठा था, वो भी मुस्कान और उसकी माँ के बीच हुई सारी बातचीत सुन लेता है। फिर मौका पाकर वो सांप का बच्चा मुस्कान के बालों से निकलकर झाड़ियों में छिप गया और बोला, मैं तो मुस्कान के बालों में छुपा बैठा था, मैंने भी तो मुस्कान के साथ सात फेरे लगाए, इसका मतलब मेरी भी शादी मुस्कान के साथ हो गई क्या? मुझे चलकर माँ से पूछना चाहिए। ऐसा सोचकर वो सांप का बच्चा अपनी नागिन माँ के पास गया। हाँ तो उसकी माँ ने भी उसे यही बताया जो मुस्कान की माँ ने कहा था। उस दिन के बाद से वो सांप का बच्चा मुस्कान को अपनी पत्नी समझने लगा। मैं मुस्कान का पति हूँ, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। अब मैं 24 घंटे मुस्कान के साथ ही रहूँगा, उसे हर परेशानी से दूर रखूँगा। उस दिन से सांप का बच्चा मुस्कान के साथ 24 घंटे रहने लगा। जहाँ जहाँ मुस्कान जाती वो सांप का बच्चा भी उसके पीछे पीछे जाता था। एक दिन मुस्कान अपनी सहेली तारा के साथ बगीचे से सुंदर सुंदर फूल तोड़कर घर ले जा रही थी, तभी वहाँ पर उस गाँव की दो घमंडी और अमीर काजल और रेखा उन्हें रोकते हुए बोली, मुस्कान तुम ये फूल तोड़कर कहाँ ले जा रही हो, ये तुम जैसों के लिए नहीं लगाए गए हैं। काजल तुम ये क्या बोल रही हो, ये बगीचा सबका है। मुस्कान की बात सुनकर काजल ने गुस्से से उसके सारे फूल छीन लिए और मुस्कान को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और वहाँ से हंसते हुए जाने लगी। ये सारा नजारा सांप का बच्चा देख रहा था, तभी वो काजल और रेखा का पीछा करने लगा और उन्हें रास्ते में रोक लिया। सांप को देखकर काजल और रेखा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी वो सांप का बच्चा उन दोनों से बोला, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुस्कान से उसके फूल छीनने की और उसे धक्का देने की? आज के बाद अगर तुमने मुस्कान को परेशान किया तो मैं तुम्हें डस लूंगा। चुपचाप जाकर ये सारे फूल मुस्कान को देकर आओ और उससे माफ़ी भी मांगना। काजल और रेखा सांप को इस तरह बोलता देख घबरा गई। फिर दोनों दौड़ते हुए मुस्कान के पास गई और उसे माफ़ी मांगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सांप अभी भी परछाई की तरह मुस्कान के साथ ही रहता था। मुस्कान को भी इस बात का अंदेशा हो गया था
कि जहाँ भी वो जाती उसे वहाँ वो सांप का बच्चा दिखाई देता था। एक दिन वो अपनी सहेली तारा से बोली, तारा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं जहाँ भी जाती हूँ ये सांप मेरे पीछे पीछे वहाँ आ जाता है, आखिर क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुस्कान इतना कह ही रही थी तभी सांप मुस्कान के पास आया और बोला, मुस्कान तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति, और पति का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसका हमेशा ख्याल रखे, उसे हर परेशानी से दूर रखे, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। मुस्कान सांप के बच्चे को बोलता हुआ देखकर घबरा गई। तभी मुस्कान लड़खड़ाते शब्दों में सांप के बच्चे से बोली, तुम बोल सकते हो? और तुम मेरे पति कैसे हुए? तुम मेरे पति नहीं हो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मुस्कान हमारी शादी तो उसी वक्त हो गई थी जब तुम अपनी गुड़िया के फेरे तारा के गुड्डे के साथ ले रही थी, उस वक्त मैं तुम्हारे बालों में छुपा बैठा था, हमने भी एक साथ साथ फेरे लिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं जादुई सांप हूँ। मुस्कान ने सांप के बच्चे को बहुत समझाया लेकिन सांप का बच्चा कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। सांप ने मन ही मन सोचा कि आज नहीं तो कल मुस्कान इस रिश्ते को जरूर स्वीकार करेगी, इसलिए वो उसे दोस्ती करने को कहता है। मुस्कान उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेती है। कुछ साल बीत जाने के बाद मुस्कान की उम्र अब शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन मुस्कान को देखने लड़के वाले घर आए और रिश्ता पक्का करके चले गए। कुछ ही दिनों में मुस्कान की शादी प्रकाश के साथ होने ही वाली थी लेकिन एक रात अचानक मुस्कान के घर में चोरी हो गई। घर पर जो भी जमा पूंजी और मुस्कान की शादी का जो लहंगा रखा था चोर सब चुरा कर ले गए। सुबह जब मुस्कान और उसकी माँ नींद से जागी घर का सारा सामान गायब देख दोनों परेशान हो गई। माँ अब क्या होगा, घर का सारा सामान चोरी हो गया है, जो आपने थोड़ी बहुत जमा पूंजी जमा करके रखी थी वो भी चोरी हो गई, और तो और मेरी शादी का लहंगा भी चोरी हो गया। 2 दिन बाद मेरी बारात आने वाली है, अब मेरी शादी कैसे होगी, हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं बचा। ऐसा कहकर मुस्कान रोने लगी। तभी वहाँ उसका दोस्त सांप आ गया। मुस्कान तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से जादुई लहंगा देता हूँ, इस जादुई लहंगे से तुम जब भी कुछ भी मांगोगी तुम्हें वह तुरंत मिल जाएगा। लेकिन मुस्कान तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा, मेरी माँ को एक जादूगर पर्वत की चोटी पर ले गया है, मेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन है, जादूगर मेरी माँ को अपने कब्जे में कर उसे नागमणि हासिल करना चाहता है, मैं उस चोटी पर नहीं जा सकता, केवल इंसान ही जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त तुमने हमेशा मेरी मदद की है, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुस्कान तुम्हारे पास ये जादुई लहंगा है, तुम इसे पहनकर आसानी से उस पर्वत की चोटी पर पहुंच जाओगी और मेरी माँ को बजाकर ले आओगी। मुस्कान सांप की मदद करने के लिए तैयार हो गई। मुस्कान सांप का दिया हुआ जादुई लहंगा पहनकर उड़ते हुए पर्वत की चोटी पर पहुंची, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है और मैं इस जादुई लहंगे की मदद से अब उड़ भी नहीं पा रही, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुस्कान ऐसा सोच ही रही थी तभी उसके सामने वो सांप का बच्चा प्रकट हो गया। तब मुस्कान हैरानी से बोली, तुम इस पर्वत की चोटी पर आ सकते हो, लेकिन तुमने तो कहा था कि इस चोटी पर सिर्फ इंसान आ सकते हैं, मतलब तुमने मुझे झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाया, मगर क्यों बोलो? मुस्कान तुम्हारी शादी किसी और से हो रही थी, ये मैं नहीं देख सकता था, क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम ये मानो चाहे ना मानो, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे घर में चोरी करवाई और उसके बाद मैंने तुम्हें अपना जादुई लहंगा दिया और तुम मेरे जाल में फंस गई। अब तुम मेरे साथ इसी पर्वत की चोटी में रहोगी मेरी पत्नी बनकर। मैं तो तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत बुरे हो, तुमने अपनी दोस्ती का गलत इस्तेमाल किया, तुम क्यों नहीं समझते कि इंसान की शादी सांप से नहीं होती? ये कहते हुए मुस्कान रोने लगी। अब तुम रोना बंद करो, पास में ही एक गुफा है, तुम वहाँ जाकर विश्राम करो, मैं कुछ देर बाद लौट कर आता हूँ। सांप के जाते ही वहाँ पर उस सांप के बच्चे की माँ आई और मुस्कान से बोली, मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन इसे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ, घबराओ मत, मैं तुम्हें एक मंत्र बता रही हूँ,
इसे तुम 3 बार बोलना। इसके बाद तुम अपने घर वापस पहुंच जाओगी और तुम्हें तुरंत जाकर आज ही शादी करनी होगी। जैसे ही तुम्हारी शादी हो जाएगी तभी मेरा बेटा तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और जो तुमने ये जादुई लहंगा पहना हुआ है इसे भी तुरंत जला देना होगा। जल्दी जाओ इससे पहले कि मेरा बेटा यहाँ आ जाए। मुस्कान तुरंत 3 बार मंत्र पढ़कर तुरंत अपने घर पहुँची और अपनी माँ को सारी बात बताई। फिर लड़के वालों से बात करके मुस्कान की शादी प्रकाश के साथ जल्दी से मंदिर में करवा दी। उसके बाद मुस्कान ने जादुई लहंगा भी जला दिया। जादुई लहंगा जलते ही वो हमेशा के लिए सांप के चंगुल से आजाद हो गई और खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।